प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी जीरो फोर लेक्चर में हमने डिराइव किया था कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वेर टाओ एल ओवर ए एंड रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू दिस एम ओवर n e square tau. Here m is the mass of an electron, n is number of free electrons per unit volume of the conductor, e is charge on an electron, tau is relaxation time, that is the average time between two successive collisions in a conductor, l is the length of the conductor, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बच्चों आप जानते हैं कि इन सॉलिड्स एंड सो ऑल्सो इन सॉलिड कंडक्टर्स द एंड आयन्स वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस ऑल्सो इन कंडक्टर्स देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर the electrons being negatively charged uh, drift towards the positive end of the conductor while drifting towards positive end of the conductor the electrons collide with other electrons atoms and ions uh, these collisions are the cause of resistance in a conductor now what happens when the temperature of the conductor increases when the temperature increases, the amplitude of vibrations of atoms and ions increases. Also, thermal energy of electrons increases. As a result of this, the electrons collide more frequently with other electrons, atoms, and ions. सो द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोशंस इन द कंडक्टर डिक्रीजेस दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजिस एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इनक्रीजेस देखिए न यहाँ पर ये यह एम है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एम तो चेंज नहीं होने वाला ई भी चेंज नहीं होने वाला चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एल और ए में भी बहुत कम चेंजेस होंगे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे रेजिस्टेंस को चेंजेस कौन से अफेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को यहाँ पर एन और टाओ एन इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये नंबर इंक्रीज हो सकता है लेकिन क्या है कि कंडक्टर्स में पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन रेज टू पावर ट्वेंटी सिक्स और मोर तो इसके इंक्रीज होने से कोई ज्यादा फर्क आर पर नहीं पड़ेगा किस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा आर पर रिलैक्सेशन टाइम का टाउ जब डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी आइए देखें कि किस फॉर्मूले के हिसाब से ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होंगे लेट आर नॉट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टी नाट डिग्री सेल्सियस and r t is the resistance of the conductor at t degree celsius ab maan lijiye ki t not hai 20 degree celsius t hai 70 degree celsius to increase kitna ho gaya 50 degree celsius चलिए find out करते हैं कि resistance में increase कितनी होगी आर टी माइनस आर नॉट फाइंड आउट करते हैं देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर नॉट अब लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट पर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें इंक्रीज भी ज्यादा होगी दूसरी चीज क्या देखी गई कि आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज टी माइनस टी नॉट इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट प्रपोर्शनेटली साइन को हटा करके कांस्टेंट uh, इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कांस्टेंट है यहां पर अल्फा अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट अल्फा इज टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा डिपेंड करता है ऑन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर ऑन द प्योरिटी ऑफ द मेटीरियल ऑफ द कंडक्टर टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नाट इन टी माइनस टी नाट अल्फा को डिफाइन कर लेते हैं इंक्रीज इन रजिस्टेंस पर यूनिट और रजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट ओम रजिस्टेंस यहाँ ओम्स में ये डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो ये हो गया पर डिग्री सेल्सियस यह हम लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस विद पावर माइनस वन इसी तरह से रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी uh, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इन टू एल ओवर ए रो इज रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी यहाँ हम कैसे लिख लेंगे यहाँ पर लेटिस uh, से कि रो विद सब्सक्रिप्ट टी इज द रजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस तो हम आर टी को लिख लेंगे रो विद सब्सक्रिप्ट टी इन टू एल ओवर ए मान लीजिए कि टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है रो नॉट तो इसके साथ भी हम एल ओवर ए लिख लेंगे इक्वल टू अल्फा आर नॉट की जगह रो नॉट l एल ओवर ए और ये टी माइनस टी नॉट एल ओवर ए सारे में से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा रो विथ सब्सक्रिप्ट टी माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट इन टू टी माइनस टी नॉट यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं अल्फा को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज इक्वल टू रो विथ सब्सक्रिप्ट टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इन टू टी माइनस टी नॉट तो ये क्या आ जाएगा इनक्रीज इन रेजिस्टिविटी परियोनेट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर तो यहां भी यूनिट uh, आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस पावर माइनस वन टेम्परेचर टी पर रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा इंटू रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट तो इसको ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू रो नॉट कॉमन लेके वन प्लस अल्फा इन टू टी माइनस टी नॉट सो ये resistivity आ गई टेम्परेचर टी पर चलिए आप देखें कि अगर कैल्विन में प्रोसीड करें हम कैल्विन स्केल पर तब क्या होगा एग्जाम्पल में हमने लिया था टी नॉट इज इक्वल टू ट्वेंटी टी इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस अब केल्विन में टी नॉट कितना हो जाएगा इक्वल टू ट्वेंटी प्लस टू सेवेंटी थ्री इक्वल टू टू नाइनटी थ्री केलविन इसको हम कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी नॉट लिख लेंगे इसी तरह से टी टेम्परेचर पर ये कितना हो जाएगा टी इज इक्वल टू सेवेंटी प्लस टू सेवेंटी थ्री तो ये हो जाएगा थ्री फोर्टी थ्री कैलवन फिर से देखिए कि डिफरेंस कितना आ जाएगा थ्री फोर्टी थ्री माइनस टू थ्री अगेन फिफ्टी डिग्री फिफ्टी कैलविन सो डिग्री सेल्सियस में भी हमारे पास डिफरेंस uh, कितना था फिफ्टी डिग्री सेल्सियस यहाँ भी डिफरेंस फिफ्टी केलविन सो वन केलविन इज इक्वल टू वन डिग्री सेल्सियस ये आप जानते हैं तो हम किसी भी स्केल में प्रोसीड कर सकते हैं केलविन में हम Uh, कुछ इस तरह से लिख लेंगे रेजिस्टेंस आर विद सब्सक्रिप्ट टी माइनस आर नॉट क्या आ जाएगा इक्वल टू अल्फा आर नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट यहां से अल्फा डिफाइन कर लेंगे अल्फा इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल तो रेजिस्टेंस पर केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ से अल्फा का यूनिट क्या आ जाएगा पर केल्विन और के विद पावर माइनस वन तो किसी भी स्केल पर हम प्रोसीड कर सकते हैं रिजल्ट सेम आएगा रजिस्टिविटी को कैसे लिख लेंगे यहाँ पर रो विद सब्सक्रिप्ट टी माइनस रो नॉट इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा रो नॉट इन टू टी माइनस टी नॉट रो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रो नॉट प्लस अल्फा इंटू रू नॉट इन टी माइनस टी नॉट तो ये रेजिस्टिविटी आ गई टी केल्वन पर तो बच्चों इस तरह से आप सेल्सियस या केल्वन किसी भी स्केल पर प्रोसीड कर सकते हैं चलिए अल्फा की वैल्यू पर बात कर लेते हैं अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड अलॉयज मीन्स की मेटल्स का भी रेजिस्टेंस uh, और अलॉयज़ का रेजिस्टेंस ये इंक्रीज करता है आर टी ज्यादा होगा आर नॉट से सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हम यहां बात करेंगे मेटल्स और अलॉयस की चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर इधर टेम्परेचर इन केल्विन और इस तरफ रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर ये ग्राफ इस तरह का आता है फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन शोइंग दैट इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इज परपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स फॉर स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीजेस अल्फा इज इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर लेकिन यहाँ uh, ये uh,

और एट एपसोल्यूट जीरो देर सम परमानेंट रेजिस्टिविटी ये ग्राफ है प्योर कॉपर के लिए और यही रीजन है कि ये जो लीनियर ग्राफ है इसकी वजह से कॉपर यूज होता है इन मेकिंग रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स कुछ एलॉयज हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटन यूरेका

स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल्स बनती हैं इन रेजिस्टेंस इन अलॉयज़ की इनकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है तो बच्चों इस तरह से वेरी करती है रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आई एम श्योर यू हैव फॉलोड थैंक यू